हाय एवरीवन, आपको भी अगर हरियाणा में रह रहे हो और आपको आपका अपना एज सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का मेरा परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है ये देख लो आप। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मेरा परिवार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इसकी जो वेबसाइट है वो चेंज कर दी गई है। अपने पुरानी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। नए वाले में ये है, इसके अंदर क्या है, दुनिया भर की सुविधाएं दी हुई हैं, जैसे कि चिराग, आयुष्मान भारत, वृद्धा सम्मान जो व्यवस्था होती है, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, फसल ब्योरा, सक्षम साइकिल योजना, लाडली सुरक्षा योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, हमारी बेटी आपकी बेटी जो होती है ये योजना। अब इसको योजना को लिया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। अगर भूल गए हो तो आप आधार कार्ड नंबर से कर सकते हो, नहीं तो फैमिली कार्ड नंबर डाल करके और सदस्य का डिटेल प्राप्त करें। तो हम फिलहाल हम पॉज करते हैं वीडियो। ठीक है, हमने फैमिली कार्ड नंबर टाइप कर लिया, सदस्य को क्लिक कर लेंगे। जो भी सदस्य आएगा देखिए, जैसे ही आप आज कर लेंगे उसमें सदस्य का ऑप्शन आ गया, तो आप जो भी सदस्य पे क्लिक करना चाहते हैं करके उसका डाटा लेना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम जैसे ओटीपी प्राप्त करने पे ओटीपी आएगा, वो नंबर डालेंगे आप ओटीपी, और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ओटीपी डालकर अपने सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद थोड़ी देर पोर्टल जो है टाइम ले सकता है, स्लो चल रहा है काफी ज्यादा, उसके बाद आपके पास डाटा नया खुल करके आएगा। देखिए इस तरीके का डाटा खुल के आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए नाम आ चुका है, यहाँ पे जितने सदस्य हैं वो आ चुके हैं, जिसकी इनकम जितनी है वो भी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, दिख जाएगा आपके पास डाटा, दिख जाएगा आप कहाँ पे रह रहे हो। उसके बाद मेरे दस्तावेज पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका आय प्रमाण पत्र है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सदन का नाम डालेंगे जो भी सदस्य है, और उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो भी चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदर देन ये एजुकेशन पर्पज, इस पर क्लिक कर लेंगे। नो डाटा फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने आय प्रमाण पत्र के लिए किया है। हम यहाँ पे आएंगे जन्म प्रमाण पत्र, इस पर हम दिलीप पाठक पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, और ये इस तरीके से हमारा डाउनलोड हो जाता है। तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, एज सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो है एज सर्टिफिकेट सबको डाउनलोड कर लेना है, करके अपने पास रख लेना है सेव करके। जो हरियाणा की जितने भी स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट, उसके अंदर ये सर्टिफिकेट आपको काम आने वाला है, तो इसको जरूर आप सर्टिफिकेट को सेव करके रख लें। और मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको नहीं अगर कुछ समझ आए तो नज़दीकी सेंटर पर जाके अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।